हेलो फ्रेंड्स, बॉम्ब डेलिकेसीज के और एक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा ऑनलाइन शॉपिंग हॉल। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से खरीदे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके इन सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स चेक कर सकते हो और वहां से खरीद भी सकते हो। तो चलिए आपको प्रोडक्ट दिखाना शुरू करती हूँ। मेरा पहला प्रोडक्ट है जेनेरिक कंपनी का 8 इंच का राउंड केक पैन। ये केक पैन मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये काफ़ी मोटे एल्यूमिनियम शीट से बनी हुई है। ये काफ़ी अच्छा केक पैन है। मैंने इसके लिए पे किया है 269 रुपीज़। स्क्रीन में इसका दाम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि अमेजोन में दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं। मैंने इसको डिस्काउंटेड प्राइस में लिया है। मेरा नेक्स्ट परचेज है लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट। मैंने इसको फेयर स्किन टोन के लिए खरीदा है। लैक्मे ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसके लिए 152 रुपीज़ पे किया है। मैंने एक ही ऑर्डर किया था लेकिन एक पैकेट में मुझे 2 कॉम्पैक्ट मिली है। काफ़ी सस्ती डील मिली है मुझे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट है। मेरा नेक्स्ट परचेस है टियारा कंपनी का पोटैटो मैशर। मैं काफ़ी दिनों से इसको खरीदना चाहती थी। मैंने इसके लिए पे किया है 189 रुपीज़। इसका जो बेस है वो 4.5 इंच का है और हाइट है 7.5 इंच का। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसको एक बार ही यूज़ किया है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है ये सूप एंड जूस स्ट्रेनर। ये भी मुझे किचन में बहुत ज़रूरी था, ग्रेवीज़ को स्ट्रेन करने के लिए, आटा को चालने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी था। मैंने इसके लिए पे किया है 199 रुपीज़। इसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप भी इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है हैपनवेल कंपनी का ये इडियापम मेकर या चकली मेकर। ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, बहुत अच्छा स्टेनलेस स्टील है। मैंने इसके लिए 499 रुपीज़ पे किया है। इसको ऐसे घुमा के खोला जाता है और इस सिलेंडर में आटा भरा जाता है। इसके साथ मुझे 15 जालीज मिली है डिफरेंट तरह के। इसके साथ आप सेव, गठिया, फरसान कुछ भी बना सकते हो, अपने मन चाहे स्नैक्स आप घर पे बना सकते हो। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है। मैं बहुत दिन से इसको ख़रीदना चाहती थी तो फाइनली मैंने इसको ख़रीद लिया है। आप भी इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है पैपिलॉन का ये फूड कलर। इसमें 20 ml के 10 बॉटल मिल जाते हैं, जैसे ये चॉकलेट ब्राउन कलर है। करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है अभी क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत डिमांड में रहता है। इसमें आपको चॉकलेट ब्राउन, केसर, लेमन येलो, ऑरेंज, टमाटो रेड, रैशबेरी रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक रोज़, काला खट्टा, सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने 250 रुपीज़ पे किया है। इसके साथ आपको एक ड्रॉपर भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है सिलिकॉन का ये रोलिंग मैट। आप लोग तो इसको कई सारे रेसिपी वीडियोस में देख चुके होंगे। इसमें डायमीटर मेंशन किया रहता है, ये 38x48 सेंटीमीटर का है। मुझे इसे थोड़ी बड़ी चाहिए थी लेकिन मुझे यही अवेलेबल हुआ है। मैंने इसको 399 रुपीज़ में ख़रीदा है। काफ़ी दिनों से मैं इसको ख़रीदना चाहती थी क्योंकि कभी कभी हम लोगों को बड़े पराठे, बड़े रोटी बेलनी पड़ती है, तो इसमें इसको आसानी से बेली जा सकती है। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है साइगा का ये 12-पीस कुकी कटर। इसमें 4 शेप्स दिए हुए हैं। ये जैसे राउंड शेप का है, ये हार्ट शेप का है, ये फ्लावर शेप का है और ये स्टार शेप का है। इसके लिए मैंने 209 रुपीज़ पे किया है। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये प्रोडक्ट। आप भी इसको ज़रूर खरीद सकते हो।
मेरा नेक्स्ट परचेस है सिग्नोरा वेयर का ये एयर टाइट कंटेनर। ये 500 ml का है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बनी हुई है ये प्रोडक्ट। आपको इसमें और कई रंग मिल जाएंगे। मैंने इसके लिए 125 rupees पे किए हैं। मेरा नेक्स्ट परचेस है ग्लोरी पान का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। मैंने इसको 175 rupees में लिया है और 54 rupees का डिलीवरी चार्ज भी मुझे देना पड़ा है। ये काफ़ी अच्छी ईस्ट है, बेकिंग के कई सारे आइटम्स बनाने में ये बहुत यूज़फुल है। मेरा नेक्स्ट परचेस है इजी का एल्युमिनियम फॉयल। ये काफ़ी अच्छा एल्युमिनियम फॉयल है, ये 72 meters लंबा है। यहाँ कटर दिया गया है, इसका थिकनेस 14 microns है, काफ़ी थिक है ये एल्युमिनियम फॉयल। इसके लिए मैंने 386 rupees पे किया है। आपको शायद ये अभी और भी कम दाम में मिल जाएगी, आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है मैम क्रिएशंस का कुल्फी मोल्ड। इसके साथ मुझे ये 2 aluminum के कुल्फी मोल्ड फ्री में मिले हैं। ये प्रोडक्ट देखिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके साथ जो स्टिक मिलती है वो भी काफ़ी लंबी है, इसलिए आप लोगों को कोई भी दूसरा स्टिक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने 289 rupees पे किया है। आप लोग भी इसे खरीद के देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है फिनिक्स का बटर पेपर। ये पहले से ही कट किया हुआ है, 10 inch by 10 inch का है और 100 papers है इसमें। बेकिंग के कई कामों में ये यूज़ हो सकता है। मैंने इसके लिए 180 rupees पे किया है। मेरा नेक्स्ट परचेस है फिमोरा का ये सिलिकॉन स्पून। फिमोरा एक बहुत वेल नोन ब्रांड है, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी। ये काफ़ी अच्छे सिलिकॉन से बना हुआ है, बहुत स्टर्डी प्रोडक्ट है। मैंने इसके लिए पे किया है 271 rupees। मेरा नेक्स्ट परचेस है आईबेल का ये सेरेमिक कोटेड कुकवेयर। ये एक बिरयानी पॉट है, ये 6 liters का बिरयानी पॉट है। इसके साथ मुझे ये कांच की लीड मिली है, ये लीड बहुत अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास से बनी हुई है। पॉट का थिकनेस 2.5 mm है। इसके साथ मुझे 6 months की वारंटी मिली है। और ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप अगर इसके डिटेल्स कंपनी को भेजोगे तो आपको एडिशनल 6 months की वारंटी मिल जाएगी। मैंने इसके लिए 1290 rupees पे किया है। इसमें आप लोग आसानी से 500 gram राइस और 500 gram चिकन या मटन की बिरयानी बना सकते हो। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है इम्पेक्स का ये 10 liters का बिरयानी पॉट। ये भी सेरेमिक कोटेड पॉट है, लेकिन मैंने इसको परचेस नहीं किया है, मेरी सिस्टर ने मुझे इसको गिफ्ट किया है। इसके साथ भी मुझे एक कांच की लीड मिली है, बहुत अच्छी लीड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास से बनी हुई है। इस पॉट का थिकनेस 3 mm है। इसके साथ मुझे 1 year का वारंटी भी मिली है। काफ़ी बड़ी बिरयानी पॉट है, मुझे एक बड़ी सी बिरयानी पॉट की बहुत ज़रूरत थी, थैंक्स टू माई सिस्टर जो इसने मुझे गिफ्ट किया है। इसके साथ मुझे एक स्पून मिला है जिसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन सर्विंग पर्पस ये चल सकता है। इसका लीड भी बहुत अच्छे से इसमें फिट हो जाता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट परचेस है सोलिमो ब्रांड का तवा। ये काफ़ी अच्छी तवा है, सोलिमो ब्रांड का है, ये अमेजोन का पर्सनल ब्रांड है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है। ये डाईकास्ट एल्युमिनियम से बना हुआ है, 11.5 inch डायमीटर का है ये तवा, काफ़ी हेवी तवा है, हैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये प्रोडक्ट, मैंने इसके लिए 929 rupees पे किया है। आशा करती हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इन सारे प्रोडक्ट्स की फुल डिटेल्स अच्छे से चेक कर सकते हो और कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए तो वहाँ से खरीद भी सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।